व्यूअर्स, वेलकम बैक टू न्यू वाला कलेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल मैं वीडियो नहीं ला पाई थी आप लोगों के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर दूँ। और आज की जो वीडियो है वो स्टिच कलेक्शन पे होने वाली है। देखिए, हमारे पास काफ़ी सारा स्टॉक और आने वाला है स्टिच कलेक्शन में। मैं सोच रही थी कि मैं डायरेक्ट आप लोगों के लिए सारे साथ में ही दिखाऊँ, लेकिन आप लोग इतनी डिमांड कर रहे थे तो मैं सोचा जितना मेरे पास अभी अवेलेबल है डिज़ाइन उतने ही मैं आपको दिखा देती हूँ। तो मैं जो आज आपके लिए लेकर आई हूँ, इसमें मैं आपको 3 डिज़ाइन दिखाऊँगी, 3 टाइप के। ये देखें, ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन है। इसमें जो है सारा, मतलब ऑल ओवर सब कुछ स्टिच्ड है। आप लोग अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ऑल्टर करवा सकते हैं, या फिर आप क्या है कि मैं आपको मेजर करके अभी हैंड टू हैंड बता दूंगी इसका मेजरमेंट क्या है, ठीक है? तो फिर आपको ठीक लगता है तो आप लोग ले सकते हैं। सब कुछ इसमें रेडी है, आपको सिर्फ सीधे इसको डायरेक्ट वेयर करना है। और ये इसका है बॉटम, ये देख लीजिए, ये बॉटम भी जो आपको इसमें मिलेगा ना, ये फुल स्टिच्ड मिलेगा। तो मैं आपको अभी एक एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ। ये देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट, हमारा एकदम लाइट ग्रीन से शेड में है ये। और इस पर आप ये देख रहे होंगे, इस पर आपको सारा लाइक ऐसा लग रहा है कि चिकनकारी वर्क हो रहा है, लेकिन चिकनकारी वर्क नहीं है, थ्रेड वर्क है विद जरी का काम है। उम्मीद करती हूँ दिख रहा होगा आप लोगों को। ये देख लीजिए, ये गला कितना खूबसूरत तैयार हुआ है, बिल्कुल बहुत ही प्रिटी लग रहा है। ये देख लीजिए आप, फुल नीचे तक देख लीजिए, इसमें डिज़ाइनिंग मिलेगी आपको। ये दामन की तरफ डिज़ाइनिंग है, सारी की सारी बीड्स लगे हुए हैं। और ये इसकी हैं स्लीव्स, ये देख लीजिए, ये स्लीव्स हैं, ये स्लीव्स पे आपको सारी डिज़ाइनिंग मिल जाएगी। और ये हो गया, इसके ऊपर बूटे पड़े हुए हैं। और बैक साइड में भी ये देख लीजिए, फुल आपको बूटे मिलेंगे। मैं आपको इसकी जो फैब्रिक है उसका आइडिया दे दूँ। ये जो फैब्रिक है जिसके ऊपर आप सारी एम्ब्रॉयड देख रहे हैं, ये जॉर्जेट फैब्रिक है, ठीक है? उसके अंदर लाइनिंग भी लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को लाइनिंग अलग से लगानी पड़ेगी, लाइनिंग ऑलरेडी इसके अंदर लगाई गई है। तो आपको फुल, मतलब एकदम रेडी सूट मिल रहा है आपको, उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करवाना है। तो ये फुल रेडी मिल रहा है आपको। और मैं आप दिखाऊँ इसका बॉटम, आप ये बॉटम चेक करिए, वाइट फैब्रिक पे बॉटम है और स्ट्रेचेबल है ये, ठीक है? आप लोगों को लग रहा होगा कि साइज़ कम है या कुछ है, स्ट्रेचेबल है, आप पहनोगे तो वो आपको फिट आ जाएगा। और ये देख लीजिए, स्ट्रेचेबल है ये, पूरा स्ट्रेचेबल है, ठीक है? और ये मैं आपको दिखाती हूँ आपके साइड्स में, ये जो है ये आ जाएगा डिज़ाइन, ये देख लीजिए, ये फ्लावर्स लगे हैं, बीट्स लगे हैं। तो ये कुछ इस टाइप की आपकी डिज़ाइनिंग साइड में आ जाएगी पैंट के, बहुत ही प्रिटी ये लगने वाला है। और आगे देखें, ये थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है सारा सब कुछ, और यहाँ पे इलास्टिक है, तो ये वेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा, आप लोग इसको पहन सकते हैं, ठीक है? प्लस साइज ईजिली पहन सकते हैं। वैसे देखिए, इसका जो मेजरमेंट है वो एक्सल वाला है, मैं आपको फिर भी मेजर करके दिखा देती हूँ एक बार मेजरिंग टेप। तो और ये है नाज़नीन में इसका दुपट्टा, इसका जो दुपट्टा है वो नाज़नीन फैब्रिक पर है, ठीक है? और चारों तरफ ये इसकी लेस लगी हुई है, ये आप देख लीजिए, फुल आपको लेस लगी मिलेगी। और ये नाज़नीन पे इसका दुपट्टा है, तो ऐसा नहीं है कि बिना दुपट्टे के आपको मिल रहा है, फुल आपको दुपट्टे के साथ रेडी मिल रहा है ये ड्रेस। और पूरा दुपट्टे के चारों तरफ भी आपको ये लेस मिल रही है, ठीक है? अब मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ। देखिए, इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 20.5 है, ठीक है? और वेस्ट का मैं आपको बता देती हूँ, वेस्ट का इसका वही है सेम 20.5 है, ठीक है? एक फ्री साइज़ है, ठीक है? अगर इनकेस ये है कि आपको शॉर्ट करवाना, मतलब वो करवाना है, कम करवाना है या वैसे करवाना है, तो आप इसमें ऑल्टर करवा सकते हैं अपने टेलर से। और मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ कुर्ते की, कुर्ते की जो लेंथ है वो 41 है, ठीक है? फुल नीचे तक जो आएगी 41.5 आएगी, क्योंकि ये लेसेस नीचे लगी हुई हैं, तो उसकी वजह से लेंथ पूरी एग्जैक्ट वैसे नहीं है, ठीक है? तो ये सब हो गए हैं। और ये देख लीजिए, ये स्लीव्स है, तो स्लीव्स आपकी ना थोड़ा सा लाइक ऐसे हैं कि आपके लाइक चौड़ी करी हुई हैं आगे से, अम्ब्रेला स्लीव्स नहीं है, लेकिन हाँ फुल आपको थोड़ा सा लाइक वो दिया हुआ है इसमें, ठीक है? और ये हो गए इसकी बॉटम। और ये अब इसी में मैं आपको इसी डिज़ाइन में 3 और शेड्स दिखा रही हूँ, तो टोटल मेरे पास 4 शेड्स अवेलेबल है इसमें। और मेजरमेंट सबका ही सेम रहेगा, और पैंट की कोई टेंशन नहीं है, पैंट स्ट्रेचेबल है, आप लोग जिस भी मतलब वैसे पहनना चाहेंगे तो हो जाएगी। मैंने आपके सामने ही उसको स्ट्रेच करके दिखाया है। ये हमारा थोड़ा सा ग्रेश ब्लू टाइप के शेड में है ये वाला कलर जो है, डिज़ाइन आप देख लीजिए, सेम है, बिल्कुल सब कुछ सेम है। ये आपको फुल नेक बनी हुई मिल रही है, सेम सब कुछ डिज़ाइन है, कलर का डिफरेंस है बस। और ये है इसकी स्लीव्स, ये देख लीजिए, स्लीव्स भी बिल्कुल आपको सेम मिल रही हैं। और ये आपकी बैक साइड हो गई, सेम फैब्रिक है, जॉर्जेट है, और उसके अंदर आपको शंटून का इनर लग के ऑलरेडी सब कुछ रेडी मिल रहा है। ये इसका नाज़नीन फैब्रिक में दुपट्टा हो गया, ठीक है? और दुपट्टा ऐसे नहीं है, मैंने आपको बताया नहीं कितनी लेंथ है, तो ये छोटा होगा या कुछ है, कुछ भी नहीं है, दुपट्टा एक नॉर्मल साइज़ का, जितना कि नॉर्मली पाकिस्तानी सूट्स में आता है।
और ये देख लें, ये है इसकी पैंट। पैंट की ना मैं आपको वेस्ट मेजर करके दिखा देती हूँ, जिससे कि आपको कितनी स्ट्रेच हो जाएगी आप उसके हिसाब से आइडिया लगा सकते हो अपना। ठीक है, ये एक साइड से मैंने मेजर करी है तो ये 14.5 आ रही है। ठीक है, 14.5 आ रही है, एक साइड से मैंने मेजर करी है और ये ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी। और ये देख लीजिए, ये है इसके साइड में डिज़ाइन। ठीक है, सेम कलर के आपको फ्लावर्स लगे हुए मिलेंगे, बीड्स भी लगे हुए मिलेंगे। तो ये इसकी बॉटम का पार्ट हो गया। ठीक है, और अब मैं आपको इसी में ही हमारे दूसरे शेड्स दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारा नेक्स्ट शेड है, ये कितना प्यारा ये लग रहा है, इतना खूबसूरत कलर है और डिज़ाइनिंग बहुत प्यारी है, एकदम हैवी लुक में आपको ये मिल रहा है। आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कॉलेज पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं या फिर आप वैसे आने जाने में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देख लीजिए, अगर इनके साथ को किसी को गिफ्टिंग के लिए देना हो तो उसके हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। ये आप देख लीजिए, अब इसका बैक साइड सेम, सब कुछ सेम है, वही मैं आपको डिज़ाइन अलग अलग शेड्स में दिखा रही हूँ। और ये देख लीजिए, ये हैं इसकी स्लीव्स, वही सेम स्लीव्स आपको मिलेंगी डिज़ाइनिंग के साथ। ये हो गया दुपट्टा। ठीक है, तो दुपट्टा भी आपको फुल वही मिल रहा है, फुल लेस लेस के साथ। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ इसका बॉटम, ये देख लें। बॉटम मैं आपको ऑलरेडी सबके खोल के दिखा चुकी हूँ, ये देख लीजिए, ये है इसका बॉटम। ठीक है, अब फुल नहीं खोल रही हूँ उसको, सेम बॉटम है, सब कुछ सेम है, मेजरमेंट सेम है, सब कुछ सेम है। ये साइड में आपको डिज़ाइनिंग इसमें मिल जाएगी सेम की। ठीक है, और अब हमारी इस वाली डिज़ाइन का लास्ट शेड है, वो है पिंक में। ये आप देख लीजिए, ये देखिए, ये पिंक में है। जितने भी मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं सबका फैब्रिक जॉर्जेट है, फॉक्स जॉर्जेट है, जिसके अंदर ऑलरेडी आपको लाइनिंग लगी हुई मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको खाली ऊपर ऊपर का दे दूं और ये स्टिच कह के और फिर ये लाइनिंग उसमें आपको खुद लगा रहे हैं, तो फिर वो वही कोई फ़ायदा नहीं है उसका स्टिच कहने का। लेकिन ये आपको प्रॉपर ड्रेस मिल रहा है, फुल ड्रेस मिल रहा है, ऐसा कि आप इसको ख़रीदें और डायरेक्ट पहन लें बस। ठीक है, तो इस टाइप से आपको मिल रहा है ये। और ये फुल आप नीचे तक देख लीजिए, सेम डिज़ाइनिंग है, बैक साइड पर आपको ये बूटे मिलेंगे। और ये स्लीव्स हो गई इसकी, सेम सब कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इसका दुपट्टा हो गया है। ठीक है, और ये इसका बॉटम का हो गया है, सेम आपको साइड में डिज़ाइनिंग मिलेगी इसमें। और ये वही सेम वाइट शेड में, मेजरमेंट वगैरह मैं आपको ऑलरेडी सब दिखा चुकी हूँ, इसलिए मैं इसको ओपन नहीं कर रही हूँ, ऑलरेडी मैंने सब वही सेम दिखाया है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे पास और भी दो बिल्कुल अलग डिज़ाइन अवेलेबल है। ये देख लीजिए, ब्लू में दिखाती हूँ, इसका भी मैं आपको सब मेजरमेंट वगैरह बता दूँगी। वैसे तो देखिए ये एक्सेल कैसे आया है। ठीक है, जो हमें मतलब वो हुआ है एक्सेल कैसे हुआ है, तो इसलिए हो जाएगा ईजिली, कोई मसला नहीं है। ये आप देखें, ये जो हमारे पास है ये भी जॉर्जेट फैब्रिक में है। ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग है, उसकी डिज़ाइनिंग बिल्कुल अलग थी, ये लॉन्ग में थोड़ा सा जाएगा। आप ये देखें, इसमें ना बिल्कुल जो कहते हैं उसको प्रॉपर गला बना हुआ है ऊपर से कॉलर वाला। ठीक है, और यहाँ बटन्स वगैरह लगे हैं, ये आपको फुल लाइक बटन्स वगैरह के साथ मिल रहा है। फ्लावर्स आप देख लीजिए, पूरे बटन ऊपर से ना स्टिक है इस पर। और ये आप देख लीजिए फुल, और ये गला हो गया है, गले पे ऊपर आपको ये लेस भी मिलेगी और डिज़ाइन में ऑलरेडी एक्सेल पड़ा हुआ है। बाकी मेजरमेंट मैं आपको अभी बता दूंगी, आप पहले पूरी डिज़ाइनिंग वगैरह चेक कर लीजिए। और नीचे तक ये आपको मिल रही है लेस, जो काफ़ी ज़्यादा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये लेस, ये देख लीजिए। तो ये काफ़ी खूबसूरत लगती है, बहुत ही प्रिटी लगती है ये। आई नो कि वाइट इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट जा रहा है, इसलिए हो सकता है आपको ना विजिबल हो। आप लोग पिक्चर्स कह दीजिएगा, मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी इसकी। और ये है इसकी स्लीव, आप देखें स्लीव्स कितनी प्रिटी लग रही हैं। एक तो ये डिज़ाइनिंग है और बीच में ये कनेक्टिंग वाली लेस है, तो कितना खूबसूरत ये लुक आ रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रही हैं स्लीव्स भी इसकी। बैक साइड प्लेन है इसकी, बैक साइड पे कुछ नहीं है। और ये जो लेस है, आप लोग ये सोचें कि सिर्फ आगे आगे दी गई है, ये आगे भी है और ये लेस पीछे भी है। ठीक है, तो ये दोनों तरफ आपको लेस दी गई है और अंदर आपको ऑलरेडी लाइनिंग लगा के दी गई है, फुल आपको परफेक्ट सूट दिया जा रहा है, फुल स्टिच्ड है ये। और मैं आपको इसका बॉटम दिखा देती हूँ, ये देखिए इसका बॉटम भी जो है वो स्ट्रेचेबल फैब्रिक पर है। ठीक है, एकदम स्ट्रेच हो जाएगा। और इसमें देख लें, ये भी फैब्रिक जो आपका नीचे वाला है ये भी स्ट्रेचेबल है, फुल स्ट्रेचेबल फैब्रिक आपको ये दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें बॉटम पे इसके कोई डिज़ाइनिंग अभी नहीं है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा आपको नाज़रीन फैब्रिक पर है, फुल वाइट दुपट्टा है, पूरा बंधा हुआ है वैसे तो। और ये साइड में ना इसकी पॉम पॉम वाली लेस लगी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा वाइट में ही इसका दुपट्टा है। मैं आपको अब मेजरमेंट बता देती हूँ उस कुर्ते के,
ये देख लीजिए। अब जो इसका चेस्ट साइज है वो है 20, ठीक है, 20 इसका चेस्ट साइज है। और वेस्ट साइज मैं आपको बताऊँ इसका है 22, ठीक है, 21 and half, 22 मान लें, क्योंकि स्टिच्ड है, इसमें कोई कटिंग वटिंग तो अलग से कुछ होगी नहीं। आप कम करवाना चाहें तो कम करवा लीजिएगा। और मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, क्योंकि लेस तो देखिए लेस जो है वो लेंथ में नहीं आएगी, वो तो ऑलरेडी आपके लाइक बॉटम के ऊपर से नज़र आएगी ही है, ठीक है। मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, इसकी जो लेंथ है वो आ रही है आपकी 42, ठीक है, तो 42 लेंथ इसकी आ रही है, 41-42 के करीब मान लें। कोई भी इसमें अब एक्स्ट्रा कुछ भी ऑल्ट्रेशन या वैसा कुछ नहीं होने वाला है, कटिंग वटिंग नहीं होगी, तो जो मैं बता रही हूँ वही लेंथ रहेगी इसकी, ठीक है। आप लोग ये है कि अगर इनकेस आप लोग ये चाहें कि नहीं हमें शॉर्ट करवाना है, हम चाह रहे हैं कि कुर्ता शॉर्ट हो जाए, तो आप लोग कुछ कोई बात नहीं है, वो तो कोई डिज़ाइनिंग थोड़ी ना जाएगी, आप इतना यहाँ से कट करवा के ये लेस आप ऊपर लगवा लें तो बात वही हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा एक इसमें कलर हो गया है। इसी में हमारे पास सेम डिज़ाइन में दूसरा कलर भी अवेलेबल है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारे पास सेम डिज़ाइन में दूसरा शेड अवेलेबल है, ये भी आप देख लीजिए, सेम है सब कुछ, इसका मेजरमेंट भी सेम है, इसकी लेंथ भी सेम है, सब कुछ सेम है, फैब्रिक भी जॉर्जेट है, अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है, और ये स्लीव्स हो गई हैं इसकी। ये इसका बॉटम हो गया सेम जो मैंने अभी आपको दिखाया है, सेम बॉटम है, और ये सेम वाइट शेड में दुपट्टा है, क्योंकि इस पर वाइट का काम है, वाइट के फ्लावर्स हैं, तो इसीलिए कंट्रास्ट में दुपट्टा एंड बॉटम को इन्होंने थोड़ा सा लाइक ऑफ वाइट शेड में दिया गया है। दुपट्टा तो वाइट ही है लेकिन ये बॉटम जो है थोड़ा सा ऑफ वाइट शेड में, ठीक है, तो ये भी सही है कि एकदम वाइट जो है वो बहुत जल्दी गंदा होता है। और ये इसका दुपट्टा हो गया, नाज़मीन फैब्रिक में इनका दुपट्टा है, ठीक है, सारे जितने मैंने अभी तक आपको दिखाया है। तो ये हमारे पास थोड़ा सा लाइक कुर्ती स्टाइल में स्टिच कलेक्शन हो गया है, विद दुपट्टे हैं सारे। अच्छी बात क्या है कि आपको अगर ये है कि दुपट्टा पहनना है तो दुपट्टा भी साथ में है, ये नहीं कि आपको कहीं जाके लेना पड़ेगा या कुछ है। अब ये हमारे पास पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट में स्टिच कलेक्शन है, ये देख लीजिए, ये अब आप डिज़ाइनिंग इसकी चेक कर लें, काफ़ी खूबसूरत ये डिज़ाइनिंग वगैरह सब कुछ है। पाइपिंग वाइपिंग लगवा के फुल कॉलर वाला गला है, फुल सेल्फ एम्ब्रॉयड्री है, कोई भी पैच वगैरह नहीं है, पूरे पे आपको सेल्फ एम्ब्रॉयड्री मिल रही है, पूरा ये डिज़ाइनिंग के साथ है। और ये भी बिल्कुल रेडी टू वेयर कलेक्शन है, आप लोग इसको मंगवाएं। ऑल्ट्रेशन आपको कुछ करवाना, क्योंकि देखिए स्टैंडर्ड साइज़ है, आप लोग अपने हिसाब से इसमें ऑल्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए पूरा नीचे तक आपको फुल पाइपिंग वाइपिंग के साथ ये मिलेगा, ये देख लें, ठीक है। और फुल ये दामन भी रेडी है इसका पूरा, ये स्लीव्स हो गई हैं, स्लीव्स भी आप चेक कर लीजिए, स्लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं इसकी। और मैं अब आपको इसका ना मेजरमेंट वगैरह बता देती हूँ, जिससे कि आप फिर इजीली इसको लाइक देख के अपना मेजर करके मुझे बता दें। देखिए इसका जो चेस्ट साइज़ है वो 23 है, एक साइड का मैं मेजर करके बता रही हूँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि आप लोग ये समझें कि सिर्फ 23 है, एक साइड का मेजर करके बता रही हूँ। और ये है इसका, ये देख लें, 24 and half इसका हिप साइज़ है। और मैं अब आपको बता देती हूँ इसकी लेंथ। देखिए ऑल्ट्रेशन इसमें क्या है कि आप किसी भी साइज़ वाले को गिफ्ट कर सकते हैं, अगर इनकेस आपको गिफ्ट करना है तो, क्योंकि इसमें ऑल्ट्रेशन हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ, इसकी जो लेंथ है वो है 42 या 43 के अराउंड, क्योंकि ये आप देख रहे होंगे कि इसकी 42 या 43 जो भी आपको माननी हो वो आप मान सकते हैं, क्योंकि ये फूल जो है डिज़ाइनिंग के अकॉर्डिंग जो काट के अच्छे से लगाया गया है वो ये है कि ये थोड़ा नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये डिज़ाइनिंग में है, ठीक है, 42 आप अराउंड मान लें इसको। और ये है इसकी पैंट, आपको फुल स्टिच पैंट मिल रही है, ये भी आप देख लीजिए। अच्छा ये है कि पैंट भी ना ये देखिए इलास्टिक वाली है, फुल इलास्टिक वाली है, और आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जो है इसको सेट करवा सकते हैं पैंट को, अगर ये है कि आपको शॉर्ट करवाना है, क्योंकि एक नॉर्मल स्टैंडर्ड पैंट जो है स्टिच करी गई है, मैं आपको उसकी मोरी बता दूँ, पैंट की मोरी से आपको आइडिया हो जाएगा, पैंट की जो मोरी है वो है 8 के अराउंड, ठीक है, 7 and a half आई थिंक, 7 है या 7 and a half है, हाँ 7 and a half है इसकी मोरी, ठीक है। तो ये इसकी पैंट है, साथ में स्टिच मिल रही है आपको फुल। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा इसका चिनॉन फैब्रिक पर है, चिनॉन देखिए आप लोग काफ़ी लोग मतलब समझ नहीं पाते क्योंकि चिनॉन इतना कॉमन फैब्रिक नहीं है, लेकिन इसका जो फैब्रिक है ये मैं आपको बताऊँ बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा, और आप सर से लेना चाहें सर पे भी रुकेगा, थोड़ा बहुत नाज़रीन के जैसा ही ये फैब्रिक होता है। ये फुल आपको लाइक दामन से मैचिंग की डिज़ाइनिंग मिल रही है, और इसमें बीच में आपको बूटे मिल रहे हैं दुपट्टे में, और इस दुपट्टे में आपको बताऊँ शाइनिंग रहती है, ठीक है, ये देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है ये वाला ड्रेस,
ये भी आप देख सकते हैं फुल आपको स्टिच मिल रहा है एकदम कंप्लीट। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ हमारा सेकंड डिज़ाइन, ये भी पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट है, स्टिच कलेक्शन है ये, ठीक है ये आप देखिए फुल आप डिज़ाइनिंग है। अच्छा इसका जो फैब्रिक है इसका और इसके पहले वाले का जो फैब्रिक था वो वाला थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि शाइनिंग है या कुछ है, लेकिन आप उसको कॉटन कह सकते हो क्योंकि मोटा फैब्रिक है ये, ठीक है इतना ही मोटा नहीं कि आप विंडोज में पहने ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ मोटा फैब्रिक है एकदम पार्टी वेयर स्टाइल। और आप ये देख लीजिए इसमें बटन्स अभी और लगेंगे, ठीक है तो उससे कंप्लीट लुक आएगा, लेकिन मुझे जल्दबाजी में स्ट्रेच्ड वाला कलेक्शन दिखाना पड़ा है तो इसलिए मैंने आपको ऐसे ही दिखा दिया, ठीक है बटन्स लग के इसका फाइनल लुक आएगा। और ये देख लीजिए फुल आपको नीचे तक सेल्फ एम्ब्रॉयडरी है सारी, कोई भी ऐसा नहीं है कोई अलग से पैच वैच इसका इसमें। और ये देख लीजिए ये स्लीव्स हैं इसकी, स्लीव्स पे आगे ये गोटा लगा है, और ये स्लीव्स भी जो हैं ये थोड़ी सी लाइक ऐसी कर दी गई हैं, आगे से थोड़ा शेप दे दिया गया है जैसे कि ये चौड़ी लग रही है थोड़ी। बैक साइड इसकी प्लेन है, बैक पे कुछ दिखाने वाला नहीं है। और इसके साथ भी आपको मिलेगी ये, इसके साथ प्लाजो का मैच है। देखिए मैं आपको पिक्चर्स चाहिए होंगी जिससे हमें अच्छे से आइडिया हो किस टाइप का ये लग रहा है किस टाइप का नहीं, तो आपको मैं पिक्चर सेंड कर दूँगी, आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ठीक है। और ये फुल आपको इलास्टिक वाला ये प्लाजो मिल रहा है, प्लाजो की मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस डिज़ाइनिंग पे प्लाजो ही अच्छा लग रहा है। मैं आपको पिक्चर्स जब सेंड करूँगी तो आप खुद भी कहेंगे कि हाँ प्लाजो अच्छा लग रहा है। और प्लाजो ऐसा वाला प्लाजो नहीं है कि बहुत ज़्यादा चौड़ा हो या बहुत वैसे हो जाए, मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो मोरी है ना वो हमारी है 10 के अराउंड, मतलब जो प्लाजो की ये जो विड्थ है नीचे की पाइचे की वो 10 के अराउंड, ठीक है। और ये है इसका दुपट्टा, आप दुपट्टा चेक करें, दुपट्टा फुल नेट का इसका दुपट्टा है। और ये है इसका एम्ब्रॉयडर्ड, पूरा फुल एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, सेल्फ में एम्ब्रॉयडरी है और साइड में फुल आपको ये लेस लगा दी गई है, ठीक है। ये हो गया हमारा लास्ट डिज़ाइन, और अभी फ़िलहाल के लिए स्टिच कलेक्शन में इतने ही डिज़ाइन थे। हम लोग आपके लिए बहुत जल्द दूसरी वीडियो लेकर आएंगे, बस न्यू स्टॉक आ जाए हमारे पास स्टिच कलेक्शन का तो बहुत जल्द आप लोग के लिए लाएंगे। पाकिस्तानी डिज़ाइन भी स्टिच आपके लिए शो करेंगे, और हमारे जो वैसे कुर्ती स्टाइल के स्टिच कलेक्शन होते हैं वो भी हम लोग आपके लिए शो करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल।